क्या होता है जब सियासत में बन जाता है तारणहार और संकट मोचक ही सबसे बड़ा संकट लाने वाला। अगर आपका सबसे बड़ा मसीहा ही आपको बर्बाद करने में लग जाए तो फिर आप कहां पे जाए। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में भाजपा भी शायद यही सवाल पूछ रही है। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद और किरोड़ी लाल मीणा के कुछ बदले हुए तेवर भाजपा को उपचुनाव में कितना दर्द देंगे, ये देखना वाकई बहुत ज्यादा सियासत में दिलचस्प होता जा रहा है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफे देने के बाद भी कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसकी वजह से सियासत में लगातार उबाल आता जा रहा है और बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है, क्या वो कह रहे हैं, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको सियासत के अंदर की वो बातें बताने वाले हैं जो शायद पैरों तले से आपके जमीन खिसका देगी। पहले तो सब यही सोचा करते थे कि किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा देना महज इस वजह से हो रहा है कि दौसा समेत और 6 इलाकों में भाजपा की शिकस्त हुई है और उन्होंने वादा किया था कि अगर ऐसा होता है तो मैं इस्तीफा दूंगा। सियासत में ये बातें चल रही है कि जुबान के पक्के होने की वजह से किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया, लेकिन असल में अब निकल के ये आ रहा है कि दरअसल नाराज थे किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ। वो भी कहीं ना कहीं इस बात की टीस को लेकर बैठे थे कि जब 5 साल अशोक गहलोत के राज में विरोध सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा ने किया, सरकार लाने में उनका अहम योगदान था, ईस्टर्न राजस्थान से सीटें लाने में उनका अहम योगदान था, तो फिर उन्हें सबसे अहम पद क्यों नहीं दिया गया। वो नाराजगी गाहे बगाहे दिखती रहती है, लेकिन इस्तीफा देने के तुरंत बाद ब्रह्म कुमारी में जो उन्होंने कहा वो सच में वजह बताता है कि इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा और कैसे अपनी नाराजगी जता रहे हैं। सबसे पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा ब्रह्म कुमारी में और किस तरह से भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार न रोकने का आरोप लगाते हुए बातों में ये कह गए कि अभी भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और सरकार फिलहाल तो उस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए कुछ नहीं कर रही। ये सरकार के लिए उपचुनावों में कितना भारी पड़ सकता है, इसे सुनिए एक बार। मैं तो ये मान के चलता हूं कि राजनीति अब सेवा का माध्यम नहीं रहा, ये उद्योग बन गया। मेरे पास बहुत आते हैं, हमारे कृषि विभाग में इतनी योजनाएं हैं ढेर सारी जिसमें सब्सिडी भी है, बीज निगम भी मेरे पास है, लेकिन हर मामले में घोटाला ही घोटाला है। मैं जिस फाइल को निकालता हूं वही घोटाला। 3 अफसर तो ऐसे थे, 20 साल से उन्होंने जगह नहीं छोड़ी बीज निगम में, 3-3 राज बदल गए, लेकिन मैंने उनको हटा दिया तो भूचाल आ गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं मजबूत हूं, ईमानदारी से किसानों की सेवा करना चाहता हूं और गांव का विकास करना चाहता हूं तो पैसे की कोई कमी नहीं है। जो भ्रष्टाचार के नाम पे लीकेज हो रहा है, अगर इसको जनप्रतिनिधि और सरकार रोकने में सफल रही तो मेरा गांव का विकास और मेरा गांव का किसान आगे बढ़ेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं है। तो हम राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जैसी चीजें आती हैं, हमारे भी संस्कार पे फर्क पड़ता है। इसलिए दैनिक जो कार्यक्रम यहाँ चलते हैं, ऐसे कार्यक्रम का प्रेजेंटेशन या तो यहाँ हो, वरना मैं स्पीकर साहब से बात करके मैं चाहूँगा कि हम कि राजस्थान की विधानसभा का जब सेशन हो तो एक सारे विधायक, सारे मंत्री, स्पीकर सहित, मुख्यमंत्री सहित वहाँ एक प्रवचन होना चाहिए, तो हमको भी संस्कार मिलेगा, हमको भी एक मार्गदर्शन मिलेगा, ताकि हम जो योगदान गांव के विकास के लिए देने जा रहे हैं या किसान के लिए देने जा रहे हैं या सर्वस्व परे देश को
अर्पण करना चाहते हैं तो हम ईमानदारी से करें, और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में चूंकि मंत्री हूं मैं, राजस्थान का प्रदेश को कैसे आगे लिया जा सकता है, इस स्थान से प्रेरणा प्राप्त करके मैं राजस्थान को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस क्लिप में आपने सुना कि किरोड़ी लाल मीणा साफ साफ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बदस्तूर हो रहा है और सरकार उसे कम करने के लिए, रोकने के लिए फिलहाल कुछ नहीं कर रही। ये हालांकि कहा तो नहीं उन्होंने, पर उन्होंने कहा कि मैं सरकार के संज्ञान में ले आया हूं और सरकार को करना चाहिए। आप इस लैंग्वेज को, इस भाषा को अगर कंपेयर करने पे आएंगे तो ये ठीक वैसी ही भाषा है जो अशोक गहलोत के राज में सचिन पायलट बोला करते थे कि सरकार को ये करना चाहिए, जिसका पर्याय, जिसका मतलब ये होता था कि सरकार वो काम नहीं कर रही है। ये अपनी ही सरकार पे लाल चिन्ह लगाने का एक तरीका है जिसे किरोड़ी लाल मीणा ने अपना लिया है। अब सियासतदान ये कह रहे हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा देकर अपनी लाइबिलिटीज से दूर हो चुके हैं किरोड़ी लाल मीणा, और इसलिए अपनी ही सरकार को कटघरे में लाने के लिए उनके पास अब ज्यादा स्वाधीनता है, ज्यादा स्वतंत्रता है, और अब वो काम खुलकर करेंगे, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा टुक टुक खेलने वाले बैट्समैन नहीं है। वो आगे बढ़ के छक्का लगाना जानते हैं सियासत के पिच पर, और शायद वो यही कर रहे हैं। अब इससे भारी नुकसान अगर भाजपा का होता है तो कहीं ना कहीं एक सीख भाजपा को यह मिल जाएगी कि जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था उसे कुछ नहीं देना कितना बड़ा खामियाजा ला सकता है। वसुंधरा राजे का नहीं होना, इस बात का दंश जो भाजपा ऑलरेडी झेल रही थी, वो अपने सबसे लोकप्रिय सदस्य का यूं रूठ जाना कैसे झेलेगी, कैसे भाजपा किरोड़ी लाल मीणा के इस मूड को ठीक करेगी, क्या वो सम्मान को वापस देने के लिए कुछ कोर्स करेक्शन करेगी, ये सब आगे आने वाले वक्त की बात है, भविष्य के गर्भ में है। आपका क्या सोचना है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। देखते रहिए संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to my gig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I'm here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr, and feel free to ask anything before ordering. Thank you.